बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ायज़ा शेख एंड यू आर वाचिंग द फ़ायज़ास लर्निंग क्लास अबाउट द ग्रामर सीरीज़ ऑफ द ग्रामर वी हैव बीन स्टार्टेड बट नाउ वी हैव टर्न द ऑल द टेंसेस। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, जैसे बेसिकली यू नो दैट कंडीशनल सेंटेंस हम जानते हैं कि आर सेंटेंसेस जो डिस्कसिंग करते हैं एंड फैक्चुअल एम्प्लीकेशंस को और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है एंड देयर कंसिक्वेंसेस होता है। ठीक है, ये सिंपल एक कंडीशनल सेंटेंस की जो है मींस के डेफिनेशन है। ये डिस्क्राइब करता है कंडीशनल सिचुएशन को और रिजल्ट्स को जो डिपेंड करते हैं एन इवेंट पर जो अकरिंग होते हैं फर्स्ट। इसमें जो बेसिकली जो है हाइपोथेटिकल ये इन्वॉल्विंग होता है बेस्ड होना सजेस्टेड आइडिया और थ्योरी पेश करता है। बट ये तो हम एक जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो बेस करती है हाइपोथेटिकल सिचुएशन के ऊपर। बट अगर हम ग्रामर में देखें तो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं डिस्क्राइब करते हैं कंडीशंस को, सिचुएशंस को और रिजल्ट को, दैट डिपेंड्स करता है ना इवेंट पर अकरिंग फर्स्ट। तो इफ़ वन थिंग हैपेंस देन अनदर थिंग विल हैपन। अगर एक चीज़ होती है तो ऑलरेडी दूसरी चीज़ भी हैपन होगी। इट सिंपली मीन्स दैट वन थिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर समथिंग एल्स टू अकर एग्जिस्ट। एक्सप्लोर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस एंड रिव्यू ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हैं यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पर मैं डेफिनेशन राइट कर रही हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। द कंडीशनल सेंटेंस या मूड यू कैन से दैट इज यूजेस द कंजंक्शंस। If to express the result the likelihood of the result depends on the type of conditional sentence. ओके, दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज़ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस मूड होता है, यूज करता है एज अ कंजक्शन। कंजक्शन यूज होता है फॉर द जॉइनिंग टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस एंड टू फ्रेजेस। तो हियर इज़ द इफ, इफ इज़ यूजिंग इन दिस सेंटेंस इन दिस रिजल्ट्स फॉर एक्सप्रेसिंग द जॉइनिंग टू सेंटेंसेस। आल्सो एक्सप्रेस द रिजल्ट, आल्सो शोइंग द रिजल्ट, लाइकलीहुड ऑफ द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कंडीशनल सेंटेंस। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द कंडीशनल सेंटेंस। एग्जाम्पल ज़ीरो, ज़ीरो कंडीशनल, ज़ीरो कंडीशनल, देन फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल,
थर्ड कंडीशन। But first we should know about the definition, about the meaning of these. Zero conditionals express extremely likely. इसका रिजल्ट जो होता है एक्सट्रीमली लाइकली होता है। ओके, फर्स्ट कंडीशनल डिपेंड करता है पॉसिबिलिटी पर, चीज़ों को हाउ वी कैन पॉसिबल। सेकेंड कंडीशनल अनलाइकली बट स्टिल पॉसिबल। थर्ड कंडीशनल इम्पॉसिबल। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द जीरो कंडीशनल। तो फर्स्ट वी शुड बी स्टार्टिंग हियर जीरो कंडीशनल। Zero conditional sentences. Here I am writing the definition. Zero conditional basically एक outcome होता है ना zero conditional sentences is certain level पर। Zero conditional जो होते हैं also known as the type of zero outline situations in which one thing always causes another. So it is also known as type of zero condition, zero condition which situation in which one thing always causes another. Okay, this is the zero condition. Zero condition में one thing वजह बनती है, causes होती है another thing पर, ठीक है। If one thing occurs, something else will also occur. अगर एक चीज़ occur होती है तो definitely second thing all जो है वो also occur हो जाएगी। Zero conditional जो होते हैं basically are often known as the factual condition. Extremely likely. So here I am also writing the factual condition. It is the definition. Then second point is factual condition. Okay, factual condition, but they are not factual statement. इनका factual statement नहीं होता, condition factual होती है, but they are not factual statement. अब यहाँ पे जो है हम examples create करते हैं, then show the more examples how we can judge it. Example, first example, if it rains
My car gets wet. My car get wet. Okay. Here if is conjunction. Second example, if the clock strikes, midnight, it is a new day. It is a new day. Here is if the conjunction, that is very important in the conditional sentence. So here I have discussed the zero conditional. That is very, very, very important for all of those students. They are going to appear in different exams. Oh, also, I want to say all of those students, they are watching my videos and likes and comments me. So here, in the description, I will provide the two links that is very important for preparation of CSS, PCS, PMS, IELTS, English grammar. And that is both groups are present in the Facebook and also exam solution. Also very important. Okay, I'm mentor of CSS, PCS, PMS, IELTS, English grammar and especially जो है वो मैं preparation करवाती हूँ NTS, IB, PTS, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की और PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, FIA की. देन जो है यहाँ पे मेरा कांटेक्ट नंबर है. बहुत सारे स्टूडेंट जो है दे आर वांटिंग टू मी के कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड करें, ज्वाइन करना है क्लासेस. मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस जो है आर गोइंग टू स्टार्टेड राइट नाउ. सो हेयर वी हैव बीन स्टार्टेड द न्यू टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न एंड स्टडी different topics and different topics of the grammar. So you can also जो है watch the my videos. आप लोग previous videos खोल के देखें. Playlist also जो है वो available है मेरी channel पर. और वहाँ से जो है आप materials भी gain कर सकते हैं. You can learn and study more and more for your exams के लिए. ठीक है. सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स आपको प्रोवाइड कर देती हूँ. क्लासेस का मैंने आपको बता दिया है. दें और ये हमारी आज की जो वीडियो थी वो थी कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर. ये मैंने बना ली है. देन जो है अदर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कंडीशनल है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.